गाइस इट्स ब्लू पाइरेट्स और आज हम बात करने वाले हैं न्यू हैरिसन वेल्स के बारे में। फ्लैश सीजन 6 एपिसोड 3 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया हैरिसन नैश वेल्स से, जो इस सीजन में टीम फ्लैश के साथ काम करेगा। कुछ टाइम बाद कुछ फोटोज सामने आई और फिर रिवील किया गया कि न्यू हैरिसन वेल्स रियली में कौन है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लगभग हर सीजन में हमें एक न्यू हैरिसन वेल्स मिलता है जो सबको पसंद आता है। सीजन 1 में हैरिसन वेल्स ये बार थॉर्न था, उसके विलन होने के बावजूद भी लोगों ने उसे रियली बहुत लाइक किया था। सेकंड सीजन में हैरिसन हैरी वेल्स जो अर्थ 2 से थे। थर्ड सीजन में हैरिसन एचआर वेल्स जिसकी डेथ सेविटार के कारण हो गई थी, वैसे आयरिश को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो, फोर्थ सीजन में अर्थ 2 के हैरी की वापसी हुई थी और फिफ्थ सीजन में शार्लोक वेल्स। इन सब के अलावा पूरी वेल्स काउंसिल जो बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली ये वाला। Don't fall for this ruse. Clearly this guy is putting on an act. He's a charlatan. But you hurt me. I stab you in the back. This guy who must be Cisco. You know why? आपको सबसे ज्यादा कौन सा हैरिसन पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हैरिसन नैश वेल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। न्यू हैरिसन वेल्स रियली में परिया है, जिस वर्ड का मीनिंग आउटकास्ट यानी कि तड़ीपार होता है। कॉमिक्स में परिया का फर्स्ट अपीयरेंस क्राइसिस ऑन द इनफिनाइट अर्थ क्रॉसओवर के टाइम हुआ था। टीवी सीरीज में इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमने फ्लैश के अब तक के एपिसोड्स में देखा। यहाँ उसका नाम हैरिसन नैश वेल्स है, जबकि कॉमिक्स में उसका नाम केल मोसा था। की फैमिली में उसकी वाइफ और दो चिल्ड्रंस थे जिनका नाम टैरन और मार्ट था। ये नैश की डॉटर की डॉपलगैंगर हो सकती है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। केल अपने अर्थ का सबसे जीनियस पर्सन था और उसका अर्थ रेगुलर अर्थ की लिस्ट में नहीं आता था। हमने सभी अर्थ को नेम दिया है, लाइक अर्थ 1, अर्थ 2, अर्थ 52, पर उसका अर्थ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कॉमिक्स में उसके अर्थ को अर्थ ओमेगा कहा जाता है। केल के ही कारण एंटी मॉनिटर फ्री हो गया, जिसने अर्थ ओमेगा को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर मॉनिटर ने केल को बचा लिया और अपने साथ रखा, उसी ने उसे परिया नाम दिया। और टीवी सीरीज में भी हमने देखा है कि वो मॉनिटर को ढूंढ रहा है, पर उसके हिसाब से वो एक फ्रॉड है। केल की पावर्स की बात करूं तो वो इमोर्टल है, मोस्टली वो सुपरमैन जैसा ही है, बस लेजर्स नहीं छोड़ सकता। सबसे बेस्ट तो वो एक अर्थ से दूसरे अर्थ तक टेलीपोर्टेशन कर सकता है, और कॉमिक्स में ये उड़ भी सकता था, जो शायद हमें टीवी सीरीज में नहीं देखने मिलेगा। अब बात करते हैं उसकी एबिलिटीज के बारे में, तो वो सुपर जीनियस है। केल ने अपने अर्थ में सभी डिजीज को डिफीट किया है और उसने रैमसी के लिए भी क्योर ऑफर किया था, पर सिस्को ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कॉमिक्स में केल ने डीसी यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट ब्रेन लेक्स लूथर को भी बीट किया है। इन सब के अलावा वो गैजेट्स डेवलप करने में एक्सपर्ट है। इस एबिलिटी को हम रॉकेट से कंपेयर कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने डार्क मैटर वर्ल्ड का डोर ओपन कर दिया, जिससे एंटी मॉनिटर फ्री हुआ और उसने इसके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी फैमिली की डेथ हुई। तब से केल उसके पीछे पड़ा है और क्राइसिस इवेंट में उसका रोल बहुत ही मेजर होगा। हमने देखा है कि मॉनिटर एक सीक्वेंस सेट कर रहा है जिससे टीम क्राइसिस को फेस कर सके। इसमें लायला उसके साथ है, पर वो लायला है या फिर कोई और है, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। कॉमिक्स में क्राइसिस इवेंट खत्म होने के बाद केल मॉनिटर के साथ अर्थ 3 चला गया था। अब तक के एपिसोड्स में वो कुछ ना कुछ फाइंड करते दिख रहा है और लेटेस्ट एपिसोड्स के हिसाब से वो फ्लैश की जान बचाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, पर रियली क्राइसिस ऑन द इनफिनाइट अर्थ कॉमिक बहुत बड़ी है और मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। टीवी सीरीज से जुड़े हुए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।